नमस्कार दोस्तों, एलीट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के एग्ज़ाम की पूरी एनालिसिस और इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और हर सेक्शन की आपकी कितनी गुड अटैम्प्ट हो सकती थी। सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश के पेपर में 30 प्रश्न आए थे जो कि मॉडरेट से टफ लेवल के थे, क्योंकि वोकैब जो है थोड़ी सी टफ पूछी गई थी और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े हाई लेवल के आए थे। तो इंग्लिश की आपकी 30 में से गुड अटैम्प्ट रहेगी 15 से 20 प्रश्न। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के इस पेपर में कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे जो कि मॉडरेट से टफ लेवल के थे, क्योंकि इसमें आपको इनक्वालिटीज फंक्शन के क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए मैथमेटिक्स के आपके 25 में से जो गुड अटेम्प्ट वो है 14 से 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन का। डाटा इंटरप्रिटेशन के पेपर में 20 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, बट इनमें कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा करनी पड़नी थी और पेपर के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से आप 13 से 17 क्वेश्चन जो है आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी से मॉडरेट लेवल के थे, और रीजनिंग में आप आराम से 19 से 22 क्वेश्चन जो है इस पेपर में सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल जीके, जो कि काफ़ी आसान आया था। हिमाचल जीके के 10 प्रश्न में से आप आराम से 7 से 9 प्रश्न जो है हल कर सकते थे। उसके बाद जिस सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो था बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर। इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आए थे। इसको हमने मॉडरेट लेवल में कैटेगराइज किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मैनर में पूछे गए थे। कुल 40 प्रश्न आए थे। 40 में से जिस बच्चे ने 22 से 27 प्रश्न सॉल्व किए हैं वो उसकी एक गुड। अगर ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो कुल 150 क्वेश्चन को हम कैटेगराइज करेंगे एक मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम में, क्योंकि ना पेपर बड़ा टफ था और ना ही बहुत ईजी था। तो अगर आपके 100 से 120 के बीच अटैम्प्ट हैं तो आप इस एग्ज़ाम में अपनी इसको गुड अटैम्प्ट मान सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की कट ऑफ की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। जनरल कैटेगरी में कुल 16 वैकेंसी हैं, और अगर आपके 95 से 105 के बीच मार्क्स बन रहे हैं तो आपके क्लियर होने के काफ़ी चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल EWS। जनरल EWS कैटेगरी की टोटल 3 वैकेंसी है, और अगर आपके 85 से 95 के बीच मार्क्स बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी की हमारे पास कुल 2 वैकेंसी हैं, और इसकी कट ऑफ 90 से 100 के बीच रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास SC। SC कैटेगरी की एग्ज़ाम में 3 वैकेंसी हैं और 80 से 90 के बीच इसकी कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद ST की इस एग्ज़ाम में कोई भी वैकेंसी नहीं थी। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है जनरल एक्स सर्विसमैन। जनरल एक्स सर्विसमैन की कुल 1 वैकेंसी है, और 75 से 85 मार्क्स जो इसकी कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है OBC एक्स सर्विसमैन। OBC एक्स सर्विसमैन की भी सिर्फ एक ही वैकेंसी थी। तो 70 से 80 अंक वाले बच्चे जो हैं इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ST एक्स सर्विसमैन। ST एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ बहुत कम जाने का अनुमान है, तो ये 60 से 70 के बीच रह सकती है। और फिजिकली वीकर और डिसेबल्ड कैंडिडेट की भी एक ही वैकेंसी है, और इसकी भी कट ऑफ कम जाने का अनुमान है, तो इसकी कट ऑफ भी आप 60 से 70 के बीच मान सकते हैं। तो ये थी हमारी कट ऑफ की और एग्ज़ाम की पूरी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और एग्ज़ाम की एक्चुअल आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।